गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली एक का चौथा और पांचवा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, देखो हमें चार अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो हमें अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखनी है, चार अंकों की, तीन अंकों की, दो अंकों की, इस तरह से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारी जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, एक। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, नौ। ठीक है, ऐसे ही दो अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, दस। और दो अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 99। और तीन अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो है 1000। ठीक है, और जो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 999। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, देखो अगर हमने सबसे छोटी संख्या लिखी है तो सबसे छोटी संख्या एक अंक की हमारी होती है एक और सबसे बड़ी होती है नौ। अगर हमें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, एक के पीछे हम जीरो लगा देंगे तो हमें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर हम सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहते हैं दो अंकों की तो हम क्या करेंगे, नौ को हम दो बार लिख देंगे। इसी तरह अगर हमें तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे, नौ को हम तीन बार लिखेंगे। और अगर हमें चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, चार बार नौ लिख देंगे, मतलब 9999। और अगर हमें छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, एक के पीछे जीरो लगाते जाएंगे। जैसे एक अंक की थी तो हमने एक लिख दिया, अब दो अंकों की हमें लिखनी थी तो एक के पीछे एक जीरो लगा दिया तो दो अंकों की संख्या हो गई। अब हमें तीन अंकों की लिखनी है, सॉरी वहां पे हमें 100 लिखना है, है ना। देखो अगर हमें तीन अंकों की लिखनी है तो हम क्या करेंगे, एक के पीछे दो जीरो लगा देंगे तो ये हो गई हमारी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे अगर चार अंकों की हमें लिखनी है तो क्या करेंगे, तीन जीरो लगा देंगे एक के पीछे, तो ये चार अंकों की हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से हमें यह करना है। ठीक है, आपको अंकों को समझ में आ गया होगा, संख्याओं को कैसे लिखना है, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखनी है आपको यहाँ समझ आ गया होगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं, तो ये प्रश्न है हमारा, चार अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखो। चार अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो चार अंकों की ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, चार अंकों की, नौ को हम चार बार लिख देंगे तो 9999। अब हमें लिखनी है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, हम नौ को तीन बार लिखेंगे, मतलब 999। ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब हमें बोला गया है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या में से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, तो ठीक है मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो इधर साइड में हम घटा के देख लेंगे कितना आएगा, यहां घटा
घटाते हैं हम तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ जीरो है, ठीक है, जीरो है। तो अब देखो इधर से हम हासिल लेंगे, यहाँ पे भी हमारा जीरो है, फिर इधर जाएंगे इधर भी जीरो है, इधर यहाँ बने, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ये हो गया हमारा दस। फिर दस में से एक अगर इधर भेजते हैं तो यहाँ पे हमारा बचेगा नौ, यहाँ हो जाएगा दस। फिर दस में से एक इधर भेजते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा नौ और यहाँ हो जाएगा दस। अब दस में से नौ जाए तो हमारा एक और ये जीरो, ये जीरो जीरो, ठीक है। तो हमारा कितना आया, एक। तो घटाने पे हमारा आएगा एक। तो इस तरह से हमें करना है। तो घटाने पे हमारी क्या संख्या आएगी, तो हमारी संख्या आएगी देखो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, एक हजार माइनस नौ सौ निन्यानवे और एक। तो हमारी संख्या आई एक। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पे क्या आएगा, एक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन